हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद। स्वागत करता हूं आप सभी का AKS एडुटेक में। आज बात करेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS पर। अभी रिसेंटली NFHS 5 आया है, तो चलिए इसी को देख लेते हैं। सबसे पहले बताता हूं ये होता क्या है। द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इज़ अ लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे कंडक्टेड इन अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ हाउसहोल्ड्स थ्रू आउट इंडिया। द सर्वे प्रोवाइड्स स्टेट एंड नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर इंडिया ऑन फर्टिलिटी, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, द प्रैक्टिस ऑफ फैमिली प्लानिंग, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, न्यूट्रिशन, एनीमिया, यूटिलाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। Each successful round of NFHS has two specific goals। ये दो rounds में किया जाता है। इसका पहला phase की जो report थी वो November 2020 में आ गई। ये अब second phase है और overall इसको conclude किया गया है। तो इसके दो specific goals हैं, to provide essential data on health and family welfare needed by the Ministry of Health and Family Welfare and other agencies for policy and program purposes। सेकेंड है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन इम्पॉर्टेंट एमर्जिंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इश्यूज। अब ये देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेजिग्नेटेड द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज यानी IIPS को जिम्मेदारी दी है इस सर्वे को कराने की। यही उसकी नोडल एजेंसी है। Technical assistance for the NFHS was provided by ICF, ये एक US-based organization है, and other organization on specific issues. The funding for different rounds of NFHS has been provided by USAID, DFID, the Bill and Melinda Gates Foundation, UNICEF, UNFPA and MOHFW, Government of India. ये इनकी साइड में फुल फॉर्म मेंशन्ड है, आप पढ़ सकते हैं। फिफ्थ एडिशन ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कन्फर्म्स अ साइन ऑफ डेमोग्राफिक शिफ्ट इन इंडिया। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर द फर्स्ट टाइम जब से NFHS हो रहा है 1992 से, द प्रपोर्शन ऑफ वेमेन एक्सीडेड मैन। देयर वर 1020 वेमेन फॉर 1000 मैन। In the last edition of the survey in 2015-16, there were 991 women for every 1000 men. तो ये पॉइंट याद रखने वाला है कि women ज़्यादा हैं अब men से। Most states and UTs had more women than men, ये सर्वे ने शो किया है। The states that had fewer women than men included Gujarat, Maharashtra, Arunachal Pradesh, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, और जो UTs हैं ये वो हैं जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दादरा नगर हवेली एंड लद्दाख। द स्टेट वाइज ब्रेकअप ऑफ द NFHS डेटा ऑल्सो शोज दैट इंडिया इज ऑन इट्स वे टू स्टेबलाइजिंग इट्स पॉपुलेशन विद मोस्ट स्टेट्स एंड UTs हैविंग अ टोटल फर्टिलिटी रेट लेस देन 2। एक बिहार है जिसका 3 है। तो TFR क्या होता है इसको देख लेते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ पॉपुलेशन इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी बॉर्न टू अ वुमेन ओवर हर लाइफ टाइम इफ शी वाज टू एक्सपीरियंस द एग्जैक्ट करंट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स थ्रू आउट हर लाइफ टाइम। शी वाज टू लिव फ्रॉम बर्थ अंटिल द एंड ऑफ हर रिप्रोडक्टिव लाइफ। इसको एक लाइन में समझे तो एन एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन, ये इसका सीधा सा मतलब है TFR का। अ TFR ऑफ लेस देन 2.1 और वुमेन ऑन एवरेज बेयरिंग 2 चिल्ड्रन ओवर अ लाइफ टाइम सजेस्ट दैट एन एग्जिस्टिंग जनरेशन ऑफ पीपल विल बी एग्जैक्टली रिप्लेस्ड। एनीथिंग लेस देन 2 सजेस्ट एन इवेंचुअल डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ओवर टाइम। इसलिए कहा गया था पहले कि इंडिया स्टेबलाइज करने की तरफ बढ़ रहा है अपनी पॉपुलेशन को। ओनली 6 स्टेट्स
बिहार, मेघालय, मणिपुर, झारखंड, यूपी हैव अ TFR अबव 2, जिसमें मैंने पहले भी बताया बिहार का सबसे ज़्यादा है, TFR 3 है इसका। द NFHS 5 सर्वे वर्क हैज़ बीन कंडक्टेड इन अराउंड 6.1 लाख सैम्पल हाउसहोल्ड्स फ्रॉम 707 डिस्ट्रिक्ट्स। और ये इसके 3 इम्पॉर्टेंट आउटकम, इंडिया हैज़ रीच्ड अ टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.0 इन NFHS 5 एज कम्पेयर टू 2.2 इन द NFHS 4। तो TFR कम हुआ है, इसका मतलब आगे चल के पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी। इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 78.9 टू 88.6। इंस्टीट्यूशनल बर्थ वो होते हैं जो किसी मेडिकल फैसिलिटी में, किसी डॉक्टर की देखरेख में होते हैं, और उस जगह पर ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जिससे मदर एंड चाइल्ड को सेव किया जा सके। यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 53.5% टू 66.7%, ऐसा ये सर्वे बताता है। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट आउटकम्स थे। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आप कुछ नया सीख के जा रहे हो और आगे भी ऐसे ही सीखना कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू AKS EduTech।